आगे कांगड़ा, कांगड़ा और पीछे जो मांडी था, मांडी और कांगड़ा का बॉर्डर है ये मोहन घाटी। तो अटल टनल के बाद बीच में दिनों बाद शायद ये पक्का सड़क बन जाएगा। Cuando empieza a nevar. So good morning everyone, riding mode on. ये था मेरा होटल एट कसोल, ये रहे मेरे सामान और अभी बाहर से कुछ ऐसा व्यू है। ये सारे कोलकाता से आए हुए हैं, सब बंगाली है और ये लगा जाने वाले हैं 5:30 ट्रेन में। और मैं अभी प्लान में हो गया थोड़ा चेंज। पहले प्लान था कि मैं आज डालहौसी जाऊंगा, पर प्लान में थोड़ा मैंने चेंज किया, मैं डालहौसी नहीं जा रहा हूँ। मैं यहाँ से निकलूँगा और जाऊँगा धर्मशाला। धर्मशाला में आज रहूँगा, कल रहूँगा, कल धर्मशाला घूमूंगा और उसके बाद फिर निकलूँगा डालहौसी के लिए। फिर अभी आगे और भी थोड़ा सा प्लान मेरा चेंज होगा, शायद मैं पठानकोट जाऊँ। पठानकोट होके अमृतसर होके मैं जाऊँगा वाघा बॉर्डर, फिर करते हुए फिर शिमला लौटूंगा और फिर वहाँ से घर वापसी करूँगा। तो चलिए देखते हैं क्या कितना तक मैं कर पाता हूँ, क्या होता है मेरा प्लान। Todos estamos felices, significa que estamos cerca, cerca de la Navidad. तो निकल चुका हूँ मैं कसोल से आज के डेस्टिनेशन धर्मशाला के लिए। या तो मैं आज धर्मशाला में रुकूंगा, या तो धर्मशाला के अंदर एक छोटा सा गांव है धर्मकोट, प्यारा सा खूबसूरत सा, वहाँ पे रुकूंगा। और मैं बस पहुंचने ही वाला हूं शिमला मनाली हाईवे में, और 6-7 किलोमीटर होगा। सामने ये जो है ये है मणिकरण चौक, यहाँ से मैं पीछे गया था मणिकरण साहिब, दाएं वाला रास्ता जो है आप ऐसे घूम के जाओगे तो चले जाओगे मनाली की ओर, और मैं जाऊंगा यहाँ से सीधा इस तरफ, और ये वाला रास्ता चला जाता है आपका शिमला दिल्ली। तो धर्मशाला पहुंचने में अभी भी लगेगा 5 घंटा, 160 किलोमीटर का रास्ता है, और अभी मैं खा रहा हूँ हॉट डॉग रास्ते के ऊपर ऐसे बैठ के। आई एम जस्ट एंजॉयिंग द हॉट डॉग। अभी मैं खाऊंगा पेस्ट्री, पाइनएप्पल पेस्ट्री। पहला टोल आज का, अभी मालूम नहीं आएगा और कितना टोल आएगा या आएगा भी नहीं। तो अटल टनल के बाद बीच में और एक टनल मिला था मुझे शिमला के वहाँ पे, ये और एक टनल है। सामने है टनल से एग्जिट, ये मैं आ गया टनल से बाहर। मुझे लगता है ये जो वाला टनल था ये अटल टनल से भी बड़ा था। तो अटल टनल को जब आप पार करते हो एक मिनिमम स्पीड में चलाते हो 50-55, और जब आप एंट्री करते हो तब आपको 40 के नीचे चलाना होता है। वहाँ पे आप ओवर स्पीड नहीं कर सकते हो, ओवर स्पीड होता है तो आपका स्ट्रेट 5,000 रुपये फाइन हो जाता है। तो उतने कम स्पीड में चलाने के बावजूद भी आप मतलब थोड़ा टाइम में आप निकल आते हो, पर ये वाला जो टनल है 60-70 में भगाने के बाद भी इतना देर तक मैं टनल के अंदर था। वैसे सीनिक ब्यूटी का जो सिलसिला है वो अभी भी बरकरार है। अभी तो मैं धर्मशाला की ओर बढ़ रहा हूँ, वहाँ पर भी सीनिक ब्यूटी है ये मुझे मालूम है। रास्ते में भी ऐसा सीनिक ब्यूटी मिलेगा ये मुझे मालूम नहीं था। जय माँ। और देखिए इधर जैम लग चुका है इन भाई साहब की वजह से, गाड़ी यहाँ पे रख के हम आपको प्रणाम करने गए थे और पीछे पूरा लंबा जैम लगा दिए। किलोमीटर अभी तक चल चुका है और मुझे शायद मेरा मेमोरी कार्ड बदलना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरी कार्ड मुझे लगता है कि अभी खत्म हो चुका है मेरा। मेरा बस अभी मेमोरी कार्ड खत्म हो गया था। अभी मैं अभी तक मैं 80 किलोमीटर रास्ता आया हूँ और अभी भी और करीब करीब 100 किलोमीटर रास्ता बाकी होगा। तो
अभी भी बहुत रास्ता बाकी है और अभी भी बहुत आगे जाना है। तो मेरा कोशिश अभी भी जारी है कि मैं शाम 5 बजे तक पहुंच जाऊं, मैं मैकलोडगंज हो, धर्मशाला हो या तो धर्मकोट, मैं कहीं एक जगह पे आज रुक जाऊंगा। देखिए यहाँ पे कैसा लैंडस्लाइड हुआ है, देखिए यहाँ आगे एक ब्रिज है जहाँ से मुझे दायां जाना है इस तरफ और मैं जाऊँगा धर्मशाला। और वो जो रास्ता, ये जो रास्ता सीधा चला जा रहा है, ये शायद चला जा रहा है चंडीगढ़ दिल्ली के लिए। हाँ मैंने सही कहा, सीधा वाला रास्ता जा रहा है यहाँ से चंडीगढ़ के लिए और दायां वाला जा रहा है पठानकोट, मैं जाऊँगा धर्मशाला। तो ये जगह है मांडी, ये बहुत बड़ा एक शहर है। अभी मैं जितना धर्मशाला की ओर बढ़ रहा हूँ, देखिए नज़ारे उतना बदल रहा है। बंजर पहाड़ों से देखिए, ये जो पहाड़ है ये हर तरफ जंगल है, जंगल वाला पहाड़ है। बहुत देर से मैं पतला वाला एक पहाड़ी रास्ते पे चला रहा था, गाड़ी इतना तेज़ में चला भी नहीं पा रहा था, इतना रास्ता पतला था। काफ़ी देर बाद जाके मुझे ऐसा रास्ता मिला है पहाड़ के इतने ऊपर जहाँ पर इतना चौड़ा रास्ता है। तो मैं थोड़ा बहुत टाल रहा हूँ मेरे गाड़ी को ताकि जितना समय हो सके मैं इस रास्ते पे कवर कर पाऊँ, क्योंकि आगे अगर फिर पतला रास्ता मिला तो फिर टाइम वेस्ट होगा। अभी बहुत दिनों बाद एक ऑफ रोड का पैच मिला है ऐसा, वैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए ऑफ रोड है। कुछ दिनों बाद शायद ये पक्का सड़क बन जाएगा, तब ऑफ रोड का कोई यहाँ पे कोई किस्सा नहीं बचेगा। अभी भी लगभग 67 किलोमीटर का सफ़र तय करना है मुझे धर्मशाला तक पहुँचने के लिए। और अभी यहाँ पे सीनिक ब्यूटी से भरपूर है, हालांकि बर्फीला पहाड़ नहीं है स्पीति मनाली की तरह, लाहौल की तरह, पर यहाँ पे जो है हरियाली वाला जो पहाड़ है ये भी काफ़ी अच्छा, मतलब लुभा रहा है मन को। इस जगह को देखिए, मुझे मालूम नहीं कौन सा जगह है, पीछे लिखा था हिमाचल टूरिज्म वेलकम्स यू टू बीर, तो हो सकता है ये बीर बिलिंग आगे हो। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग, बाइकिंग, ये इन सब की एक्टिविटीज़ यहाँ पे है, पर इसका मतलब मुझे लग रहा है कि ये बीर बिलिंग जो है बीर, ये वही इलाका है आपको ऊपर पहाड़ी पर लेके जाया जाता है, वहाँ से फिर आप पैराग्लाइडिंग करते हो और नीचे इन लोगों का बुकिंग काउंटर है ये। Cuando empieza a nevar, todo se... ये जो जगह है इसका नाम है मोहन घाटी। पीछे जिस जगह मैं बीरबिलिंग बोल रहा था वही बीरबिलिंग था बीर, वहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता था, ऊपर चढ़ाई के बाद वो बीरबिलिंग आ जाता था। आगे कांगड़ा, कांगड़ा और पीछे जो मांडी था, मांडी और कांगड़ा का बॉर्डर है ये मोहन घाटी। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वेलकम्स यू, पालमपुर, पालमपुर 21 किलोमीटर, पठानकोट 134 किलोमीटर। तो अभी मैं जहाँ पे रुका हुई जगह है कांगड़ा कपड़ोला, यहाँ पे मुझे एक दुकान मिला मिठाई का, तो थोड़ा बहुत मिठाई और चाउमीन मुझे भी खाना है और खा के मैं बस फिर निकलूँगा धर्मशाला के लिए। तो चलिए थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं, कब खाया था उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया है। सो द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पालमपुर वेलकम्स मी, और अभी कुछ देर बाद आ जाएगा धर्मशाला जो और 40 किलोमीटर दूर है। एक शहर है पालमपुर, एकदम सजाया हुआ शहर है। मेरा मन था कि मैं यहाँ पे रुकूँ एक दिन, पर क्या करूँ जब आपका इतना लंबा ट्रिप रहता है तो आप हर जगह नहीं रुक सकते हो, कोई कोई जगह आपको स्किप करना ही पड़ता है। तो पर स्किप नहीं हुआ, मैं पालमपुर होते हुए जा रहा हूँ तो भाई आँखों देखा हो गया पालमपुर का, बाकी रह कर जो जगह घूमने का है वो नहीं हुआ। चाय बागान देखिए, ऐसा लग रहा है कि मैं दार्जिलिंग आ गया हूँ। टी गार्डन टू योर कप, गार्डन टू योर कप। तो मेरा ये मानना है कि जब आप घूमने जाते हो जहाँ जहाँ आपका मन करे, जहाँ मर्जी हो वहाँ पे रुको और फ़ोटो खींचो, रुको और फ़ोटो खींचो, क्योंकि वो मौका, वो नज़ारा हो सकता है कि फिर दोबारा ना मिले, हो सकता है मौका आए आप फिर वापस आओ, पर हो सकता है कि जो नज़ारा उस वक्त है वो नज़ारा शायद देखने को ना मिले। तो इसलिए जितना मन करे, जहाँ जहाँ मन करे, जब आप घूमने आते हो कैद कर लो सारे के सारे तस्वीरों को अपने कैमरे में। यह है धर्मशाला, दलाई लामा का शहर, और आज मैं अपना ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ रात के 9:45 बजे धर्मशाला से। यहाँ पे मैं पहुँचा करीब 7:30 बजे, उसके बाद ये होटल मैंने किया है सागर गेस्ट हाउस, जिसका डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। और यहाँ पे मैं आने के बाद नहाया, नहाने के बाद नीचे गया, थोड़ा सा
एक किलोमीटर नीचे वहाँ पे शेर पंजाब नाम का एक रेस्टोरेंट है, यहाँ का लोकल है, वहाँ पे मैंने खाना वाना खाया और अभी मेरा वक्त है सोने का। तो आज का व्लॉग मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ धर्मशाला से, फिर मिलूंगा कल सुबह एक नए दिन एक नई शुरुआत के साथ। कल मुझे बहुत सारे जगह घूमना है, मैकलॉडगंज, धर्मशाला, स्टेडियम और दो तीन जगह है, और उसके बाद अगर समय मिलता है तो धर्मकोट। तो चलिए सीधा मिलेंगे कल सुबह। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूले, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें मेरे चैनल के लिंक, ताकि वो भी मेरे वीडियोस देख पाए। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।